हवाई जहाज के बावजूद नहीं बढ़ाते तो फिर क्या करेंगे? भूखहड़ताली कैंप लगाएंगे, तालाबंदी करेंगे, पूरा पंजाब फिर बंद कर देंगे। अगर ये नहीं करते तो फिर क्या करेंगे? सारी मर जाएंगे, लेट जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, हज पे जाना सारा पैसा किसके आवाम का, उसके लिए खजाने भरे हुए। ये धोखे बाद वजीरे आला पता नहीं कहाँ से आ गया। अपनी जैशिया खत्म करें, करप्शन खत्म करें ना। हम मर जाएंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। ये जो जंग है स्केल एक से लेकर स्केल 22 में तमाम मुलाजमीन की जंग है। खाने पीने का इंतजाम पानी पेट अपनी पॉकेट से, अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। मुलाजमी सड़कों पर है। मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूँ, आपका सो मोटो एक्शन हो गया है? जुल्म के ये जाबते मैं हूं हमजा जाहिद सुल्तान और आप देख रहे हैं नई बार डिजिटल। नासिर, मैं इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूं। यहां पे सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है, उनके मुतालबा है कि हमें इस पंजाब में सिर्फ जो पेंशन है वो 5% दी गई, लेकिन बाकी सूबों में ज्यादा पेंशन दी गई। इधर उन्होंने पानी का भी इंतजाम किए हुए हैं क्योंकि उनका यहाँ पे ठहरने का इरादा है। जब तक हुकूमत इनके मुतालबात पूरे नहीं करेगी, इनका यहाँ से हिलने का कोई इरादा नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं। होश के ना खुले, ये गरीब मजलूम अब मेरे मुलाजमीन आए हुए हैं, इनके लिए कुछ करें। लीव कैश में 30% बढ़ाई है ना? नहीं बढ़ाई, वो हमें निशल पे दे रहा, हमें रनिंग पे चाहिए। ये धोखा पड़े, अच्छा ये धोखे बाद वजीर आला पता नहीं कहाँ से आ गया है। ये 90 दिन की हुकूमत थी, अब ये तो सालों साल गुजर गए। किसको पैगाम देना चाहेंगे? किसी को मैं पैगाम देना चाहता हूँ। किसको? जो शिबाशी साहब आए ना अहल वजीर आजम। अच्छा, शिबाशी साहब नाहल है? नाहल है। अच्छा, उसको किसी चीज का नहीं पता। वजीर आला इतनी देर पंजाब में रहे, 30 साल उनकी हुकूमत थी, आज उसके होश के नाखून खत्म हो गए। आपके इस एहतजाज के बावजूद नहीं बढ़ाते तो फिर क्या करेंगे? हम यहाँ पे रहेंगे, नोटिफिकेशन लेके जाएंगे, भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे, तालाबंदी करेंगे, पूरा पंजाब पे शराब बंद कर देंगे। अच्छा, पूरा पंजाब बंद कर देंगे इंशाल्लाह। हम अगर हमारे मुतालबात दूसरे दिन का धरना जारी है, हमें जो है ना हमें बैठे हैं, अगर हमारे मुतालबात हमारी चादर के साथ ना किए तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन ड्यूटी हूँ। या दूसरे जो इनके शुमारियात का काम हो, वैक्सीनेशन का काम हो, जो है हम इसका मेरी बात जी जी। नाज़रीन, इनका कहना है कि बाकी सूबों को तो मुतालबात पूरे किए जाते हैं, उनको तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, लेकिन पंजाब को सबसे कम दिया जा रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं। इतनी गर्मी में आप बैठे हैं यहाँ पे? जी जी। तो क्या हिसाब है? क्या अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, हक लेने के लिए बैठे हुए हैं? चाहिए कौन सा चाहिए? पेंशन लेना चाहते हैं। अच्छा, पेंशन तो मिली नहीं, कुछ नहीं मिला। लॉलीपॉप दिया उन्होंने को खाने के लिए। लॉलीपॉप जी ये खाते रहे। इधर क्या हिसाब है? खाने पीने का इंतजाम कब से बैठे हुए हैं? हाँ, कल से बैठे हुए हैं। तो खाने पीने का इंतजाम पानी अपनी पेट अपनी पॉकेट से, अपनी पॉकेट से कर रहे हैं? तो कब तक बैठेंगे? जितनी देर ये मंजूर नहीं होगा। तो अगर ये नहीं करते तो फिर क्या करेंगे? सारी मर जाएंगे, लेट जाएंगे, मर जाएंगे, अकेले मर जाएंगे, आपके सारे मर जाएंगे। अच्छा, बड़े चार वैसे भी भूखे मर रहे हैं तो इधर ही मर जाएंगे, क्या होगा? हमारा हक हमें दे। 3 सूबों को इन्होंने मौजूदा पैसे पे 35% दिया है और हमें कह रहे हैं 30% आपको भी तो दिया ना? सर 2017 से दिया है, हमें क्या दिया है? हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए ये बात नहीं है, अपनी याशियां, अपनी याशियां। अभी सेनेट का चेयरमैन जो है, किसकी चेयरमैन की याशियां? ये सारे जितने भी गुजर आए हैं सबकी याशियां देख लें। अच्छा, अपनी याशियां खत्म करें, करप्शन खत्म करें ना। ये आपके सामने ही है सारी याशियां। ताहयात जो है ना, अपनी मराज जो है ना, उन्होंने बनाया है। उसके बाद फॉर्चूनर गाड़ियाँ पिछले हफ्ते तमाम डीसी को दी गई है। अच्छा, उसके लिए क्या वो उसके लिए फंड मौजूद है? और उम्रे पे हज पे जाना सारा पैसा किसके आवाम का, उसके लिए खजाने भरे हुए हैं, सिर्फ गरीब मुलाजमीन के लिए खजाने खाली है। नाज़रीन, इनका कहना है कि हमारे सियासतदानों की अपनी याशी के लिए तो उनके पास पैसा है, लेकिन जब आवाम की बारी आती है तो फिर इनके पास पैसा खत्म हो जाता है। तो ये यहीं पे रहेंगे जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। मेरे साथ रहिएगा। जब आपने सेनेट के चेयरमैन को मुराद दी है, उनको ताज़िंदगी मुराद दी है,
तो उस वक्त मुईशत पाकिस्तान की कमजोर नहीं हुई क्या? आपने जब दूसरे अफसरान बाला जो बाला हैं उस वक्त आपने सोचा नहीं कि पाकिस्तान की मुईशत कमजोर रही है? और इस वक्त जो पाकिस्तान के मुलाजमी सड़कों पर हैं, मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूँ, आपका सो मोटो एक्शन सो गया है? कितने है सो मोटो एक्शन आपका? आप ले ना, मैं आपको बात एक बार बावर करवा दूं कि हम मर जाएंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, इसके बाद जो होने वाला ना हुकूमत के साथ वो हम तालाबंदियां करेंगे। कब तक करेंगे? वो जब तक हमारा नोटिस, हम ये मुजाकरात नहीं करेंगे जब तक हमें हमारे हकूक वापस नहीं मिल जाते, नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, हम नहीं आए वापस। ये आपका ही नुकसान है, सड़कों पे खज्जल हो रहे हैं भाईजान, हम मर जाए, पिछली जो हमारे बच्चे हैं वो तो बच जाएंगे। ये जो लीव एंड कैशमेंट ग्रेजुएट ही है, ये देखिए ना, हम सोचते थे कि हम रिटायर होंगे, अपनी बेटी का जहेज बना लेंगे, हम उमरा या हज कराएंगे, वो हमारे जालमों ने ख्वाब छीन लिया। मैं सदर मुमलिकत से पूछता हूँ कि आप जो इतने बंदे हज पे लेके गए हैं, क्या उस वक्त में वो इज्जत कमजोर नहीं हुई? क्या आप गरीब लोग हैं? क्या आप फुकारा फकीर लोग हैं जो इतने लोग लेके चले गए हैं आप हज पे? शर्म करें, आप जाएं अपने पैसों से जाएं। कितने आप अमीर लोग हैं, ये तो सब हम गरीब लोग हैं। जुलम किया आपके साथ, ये वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने हमारे साथ जुलम किया है, इसलिए सरापा एहतजाज है। हम मोहसिन नकवी साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये धरना तब तक कायम रहेगा जब तक कि आप हमें फेडरल और दूसरे सूबों की तरह बराबर की तनख्वाह नहीं देंगे। हमारा लाहिया अमल ये है कि एक तो हम यहाँ पे धरना दिए रहेंगे, अगर इसके बावजूद भी ये हमारे साथ मुजाकरात नहीं करेंगे, हमारे मुतालबे नहीं मानेंगे, तो हम दफ्तरों की तालाबंदी करेंगे। अच्छा, दफ्तर बंद करेंगे इंशाल्लाह, हम दफ्तरों की तालाबंदी करेंगे। बिल्कुल सर, हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमारे सदर साहब ने फरमाया है, हम इनके पीछे हैं। ये जो जंग है स्केल 1 से लेकर स्केल 22 में तमाम मुलाजमीन की जंग है, जो एसी के अंदर बैठा हुआ है उसकी भी जंग है, जो सड़क पे खड़ा है उसकी भी जंग है, वहाँ पे खवातीन खड़ी हैं, धरना देके बैठी हैं, अपने अपने चूल्हे बंद करके आई हुई हैं, अपनी जान हथेली पे रख के आई है, बच्चे छोड़ के आई है, तो ये जंग सबकी जंग है।